जेडीए का जोन 13 में बड़ा एक्शन दिखाई दिया। अवैध कॉलोनियों पर चल रहा जेडीए का बुलडोजर, कानोता थाने के सामने बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। करीब 4 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। कॉलोनी में अवैध रूप से डामर की सड़कें बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन जेडीए का पंजा चला और उसके बाद इस अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जेडीए के पंजे के जरिए अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। दरअसल यहां पर जोन 13 में ये बड़ा एक्शन प्लान देखा गया है। अवैध कॉलोनी पर जेडीए का बुलडोजर चला है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कानोता थाने के सामने ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। करीब 4 बीघा सरकारी भूमि है जिस पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी और कॉलोनी में अवैध रूप से डामर की सड़क बिछाने का काम चल रहा था। लेकिन जेडीओ को जैसे ही जानकारी लगी, बाकायदा पीला पंजा वहां पर पहुंचा और उस अतिक्रमण को तोड़ा गया। जरा देखिए, डामर की सड़कें बना दी गई, काम जोर शोर से चल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि यह सारा काम कानूता थाने के सामने चल रहा था, तो क्या जानकारी नहीं थी कि यह सरकारी जमीन और उस सरकारी जमीन पर यह काम चल रहा था? तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां काफी तेजी से काम करने की कोशिश की जा रही थी। डामर की सड़कें तक बना दी गई, लेकिन जेडीए का बुलडोजर वहां पहुंचा और पीले पंजे के जरिए अवैध कॉलोनी के काम को ध्वस्त किया गया। करीब 4 बीघा ये सरकारी भूमि है जिस पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, लेकिन जेडीए को इसकी जानकारी लग गई। उसके बाद जेडीए अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचा जो अतिक्रमण के दौरान अवैध कॉलोनी में काम किया गया था। उस काम को खत्म किया गया, उसको एक बार फिर से हटाया गया है। डामर की सड़क बना दी गई थी, प्लॉट काटने की तैयारी चल रही थी, अवैध कॉलोनी बसाने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जेडीए का पीला पंजा पहुंचा और फिर जो काम वहां किया गया था उसको हटाया गया। ये करीब 4 बीघा सरकारी भूमि है जिस पर अवैध कॉलोनी बसाने का काम शुरू हो चुका था। कॉलोनी में अवैध रूप से डामर की सड़कें भी बिछाने का काम शुरू हो चुका था। कानोता की ये तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि काम काफी तेजी से करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अगर ये सरकारी भूमि है तो क्या पहले अवैध कब्जा किया गया और फिर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी? विजेंद्र, जब भी कहीं कब्जा होता है तो पहले कब्जा करने के बाद ही अवैध कॉलोनी बसाई जाती है, और लगातार जो है जेडीए की जो एनफोर्समेंट का जो काम है उसकी पहली प्रायोरिटी यह है कि जो सरकारी भूमि पर जो कब्जे हो रहे हैं उनको छुड़ाया जाए। तो कब्जों को हटाते इन्होंने कब्जा करके बाकायदा यहाँ कॉलोनी बसाने की तैयारी थी। आप देख सकते हैं कि डामर की सड़कें बिछा दी थी, और उसके बाद आज सूचना मिलने पर जेडीए के जो अधिकारी वहां पहुंचे और जो प्रवर्तन शाखा के लोगों ने इनको सबको हटाया, सारे जो भी निर्माण थे उनको ध्वस्त किया। लेकिन विजेंद्र, जो बड़ा सवाल यही उठता है कि जेडीए में अलग अलग जो इलाका है वो एक प्रवर्तन अधिकारी के जिम्मे हैं, तो यहाँ पर ये कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रवर्तन अधिकारी के क्षेत्र में ये कॉलोनी कट रही है, अवैध जो कब्जा हो रहा है, तो उस पर उस समय अवेयरनेस क्यों नहीं रखी गई? तो ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से कि इतना निर्माण हो गया, डामर की सड़कें बन गई और इस तरह की कार्रवाई हो गई। तो अगर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो तो इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। भू माफिया जो है उनमें एक खौफ पैदा हो सकता है, लेकिन हमेशा यही होता है कि जब सूचना मिलती है उसके बाद कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो प्रवर्तन अधिकारी है जिनके जिम्मेदारी है उनके खिलाफ कार्रवाई में कोताही बरती जाती है। इस कारण इस तरह की प्रवृत्ति सामने आती है और अवैध कॉलोनी इस तरह से जो है भूमाफियाओं का खौफ रहता है, और जो तमाम तरह की चीजें अवैध कॉलोनी को लेकर जो अभियान जेडीए ने छेड़ रखा है उसके तहत ही हिस्सा है कि आज कार्रवाई की गई, और ये निजी खासदारी की जमीन पर भी जहां अवैध कॉलोनी बसाई जाती है वहां पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। जो गृहनिर्माण सहकारी समितियां हैं उनके बैकडेटेड पट्टे जारी करके लोगों को लूटा जाता है, क्योंकि ये ऐसी कॉलोनियां हैं जिनका जेडीए नियमन नहीं करता, बाद में इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए तरसना पड़ता है। आम जनता से धोखा है, इसके खिलाफ आज जेडीए ने कार्रवाई की।